नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है टॉप न्यूज नेटवर्क्स में। गुजरात आरक्षण आंदोलन के 3 साल पूरे होने पर हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आज से अपने घर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी है कि किसानों की कर्जा माफी हो और आज के जो युवा है, खास तौर पर जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, उसको शिक्षा और रोजगार के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। दोनों मूवमेंट के साथ हम उपवास पर बैठने वाले हैं। हार्दिक पटेल के समर्थन में कांग्रेस के 3 पाटीदार नेता भी हार्दिक पटेल के घर पहुंचे हैं। ये नेता ललित कटघरा, ललित वसोया और किरीट पटेल हैं। हार्दिक पटेल को प्रशासन और राज्य सरकार से अहमदाबाद में अनशन की इजाजत नहीं मिली, इसलिए वो अपने घर पर ही अनशन पर बैठे हैं। अनशन से पहले हार्दिक ने शुक्रवार को कहा कि अगर प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देता है या अदालत उनकी जमानत रद्द करती है, तब भी वो भूख हड़ताल का फैसला नहीं बदलेंगे। इस बीच हार्दिक पटेल के घर के बाहर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। उनके घर के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। हार्दिक पटेल के अनशन आंदोलन के चलते जूनागढ़ कलेक्टर ने पूरे जिले में धारा 144 लगाई है। पब्लिक प्लेस पर 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं हार्दिक पटेल का कहना है कि पुलिस की अनुमति देने तक वो अपने घर पर ही अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले गांधीनगर के कलेक्टर एसके लंगा ने हार्दिक पटेल को सत्याग्रह छावनी एरिया में भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद।